अररिया के जाने माने होटल कारोबारी संजय मिश्रा ने अपना 25वां सालगिरह समारोह बड़े ही खास अंदाज में मनाया और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। होटल कारोबारी संजय मिश्रा व उनकी पत्नी डोली मिश्रा दुल्हा दुल्हन के ड्रेस में गाजे बाजे के साथ एक बैलून आदि से सजाया हुआ बुलेट बाइक पर सवार होकर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम काली मंदिर में माता का आशीर्वाद लिया, उसके बाद अररिया शहर का भ्रमण किया। रास्ते में जगह जगह पर पटाखे भी फोड़े गए। इस जोड़े के साथ भाई भतीजा सहित पूरे परिवार ने मिलकर शहर का भ्रमण किया। उसके बाद सब लोग बस स्टैंड स्थित SDM होटल पहुंचे, जहां सर्वगांठ समारोह का आयोजन किया गया था। यहां पर जयमाला का कार्यक्रम भी रखा गया था, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। संजय मिश्रा ने बताया कि आज हमारा 25वां सालगिरह समारोह है। 100 जनों एवं बच्चों ने कहा था कि इसे खास तरीके से मनाया जाए, तो हमने सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए बड़े ही खुशी के साथ अपने सालगिरह समारोह को मना रहा हूं। और साथ ही मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में सुखी समृद्धि आए। उनके सालगिरह समारोह के मौके पर SDPO पुष्कर कुमार, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष विजय मिश्रा, सीनियर अधिवक्ता अशोक पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता अजय झा, अशोक झा, सुधीर मंडल, कृष्णकांत झा, विजय फूड प्लाजा के मालिक पंडित इंदुकांत मिश्रा, इंजीनियर राहुल कुमार, आदित्य विशाल, धीरज नयन, प्रणव रोशन, कन्हैया झा, मुरली झा, प्रकाश झा, राहुल सुंदरम सहित शहर के कई प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए। संजय जी, आज बहुत सज धज के आप निकले हुए हैं पूरे फैमिली के साथ और बहुत धूमधाम से निकले हुए हैं, क्या आज कुछ है क्या? हाँ, आज मेरा शादी का सालगिरह है 25वां, और बच्चे सब बहुत उत्साह में थे, मेरे भतीजा, मेरी बेटी, मेरे बहन, मेरे ससुराल के पक्ष, तो बोला नहीं ये चीज़ थोड़ा अच्छे से मनाया जाए, तो इसीलिए हम लोग सब मिल कर करके इसको एक अच्छा रूप देने का प्रयास किए हैं, जहाँ तक सफल हो सके। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को हमारे तरफ से जो मेरे से बड़े हैं उसका आशीर्वाद चाहिए, और जो मेरे कक्ष के हैं उसका प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और जो छोटे हैं उसको तो हम आशीर्वाद दे ही सकते हैं आज के दिन में। और जितना आज के तारीख में जितना शादी का सालगिरह हो 11 तारीख का, उस सभी को मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, और उन लोगों को भी पूरे जब तक जिंदगी रहे खुशी से रहे, और ये सब पार्टी छोटा छोटा मनाते रहे तो घर का एक उत्साह रहता है, एक मनोरंजन होता है, एक संदेश मिलता है, एक दूसरे से मिलने में अच्छा लगता है, यही है। माँ काली से आपने क्या मांगा है? माँ काली से क्या मांगा है? माँ काली से सिर्फ मैं अपने लिए नहीं मांगता, माँ काली से हम पूरा दुनिया के लिए मांगता है कि हे माँ काली, सबको अच्छे रखो, उसके साथ में हमको भी अच्छे रखो, हाँ। और यही मेरा हर दिन प्रार्थना, और पर डे, चाहे बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, पर डे मैं काली माँ के पास में आता हूँ, यही एक विनती लगाता हूँ। सवेर में घर से निकलने के पहले सबसे पहले काली मंदिर, उसके बाद कहीं जाता हूँ, कोनो काम हो या न था ना हो। और हमारे ये साइड हमारे बेटियाँ हैं, ये मेरे बड़े बहन हैं, माँ के तुलना देते आते हैं, ये मेरे छोटे भतीजा हुए गुड्डू जी, ये मेरे भैगना हुए, ये मेरे साला के लड़का हुए, ये मेरे बड़ा भतीजा हुए, ये साली हुए, ये भी साली हुए, हाँ, सब ससुराल के पक्ष के आए हुए हैं, और हमारे जो बहुत करीबी हैं मुस्लिम कक्ष के, वो भी इस चीज़ में अपने बहुत ज़्यादा भागादारी लिए हैं, हम उसको कहे भी नहीं हैं, लेकिन वो देखते हैं कहाँ से क्या सब कर रहे हैं, हमको भी पता नहीं है, ये सब चीज़ तो हमको लग रहा है, प्रेम तो हमको अररिया से अच्छा मिल रहा है।